पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम धन्नड़ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रुपेश बिरला उम्र 24 वर्ष निवासी सेलदा जिला खरगोन की हत्या करके दफना दिया गया था। मृतक रुपेश पीथमपुर के बजाज फाइनेंस में कार्यरत था। हत्या का कारण पैसे का लेन देन और प्रेम प्रसंग का सामने आया है। एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार के मुताबिक मृतक रुपेश को 2 दिन पूर्व ही घर से अगवा कर लिया था। उसके साथ 6 लोगों ने मिलकर मारपीट की थी, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या में शामिल मास्टरमाइंड आशिक पटेल ने अपने घर के मैदान में ही उसके शव को दफना दिया। मृतक के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी और मृतक की महिला मित्र ने आशिक पटेल पर शंका भी जाहिर की थी। बीती रात पुलिस ने आशिक पटेल व अन्य 5 लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने घटना कबूल कर ली। पीथमपुर पुलिस ने शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मास्टरमाइंड वर्ग विशेष होने के कारण एहतियात के तौर पर धार जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार व नगर पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल, SDM रोशनी पाटीदार सहित जिले का सभी थानों के थाना प्रभारी व पुलिस बल वर्ज वाहन के साथ मौके पर बुलवाया गया। मृतक के परिजनों व समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए व शव लेने से मना कर थाने के सामने ही महू नीमच 4 लेन पर दोनों ओर चक्का जाम कर दिया व नारेबाजी करने लगे। परिजनों की मांग थी कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। उपस्थित लोगों में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, RSS कार्यकर्ता, बजरंग दल व गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद थे। वहीं चक्का जाम से व्यस्त सड़क पर दोनों ओर करीब 15 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। आशिक पटेल का रहवासी भवन सहित करीब 200 कमरों की मल्टी को जमींदोज करने की कार्यवाही सुबह से ही प्रशासन ने प्रारंभ कर दी थी। SDM तहसीलदार के द्वारा चिन्हित भवन व मल्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। वहां किराए से रहने वाले 200 से अधिक किराएदारों को अपना सामान जल्दीबाजी में निकालना पड़ा। वहीं मल्टी को तोड़ने के लिए मशीन इंदौर से बुलाई गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ठीक है, आपने पीथमपुर थाने में क्या किया? 2 सेकंड सर, थोड़ा सा आपका ID। हाँ, अब रोल। मैडम, आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी सरकार थाने पर, क्या मामला था और आशिक पटेल पर क्या आरोप लगे थे? आशिक पटेल पर आरोप मैंने लगाया था क्योंकि वो मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहा था और उसको जैसे ही मालूम चला था कि मैं रुपेश बिरला से बात करती हूँ तब से वो मुझे छेड़छाड़ करने लगा था, धमकियाँ देने लगा था। फेस टू फेस उसने धमकी दी थी मुझे कि मैं आशिक पटेल, वो अगर तुमने रुपेश बिरला से बात बंद नहीं की तो मैं उसे और उसकी फैमिली को जान से मार दूंगा। तो मैंने इस बात की वीडियो TI सर को भी दी थी और रुपेश को भी उठाने में उसी का हाथ है, मर्डर भी उसी ने कराया है। मैं कल परसों रूम चेक करने गई थी तो मुझे पूरी जगह चेक नहीं करने दी थी उन लोगों ने, जिधर जिधर मुझे डाउट था और उधर ही उस उनको रख रखा था। आखिरी वक्त कब आपकी बात हुई थी उनसे? आखिरी वक्त मेरी जब बात हुई थी तो वीडियो कॉलिंग पर वो उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, सिर्फ बैक कैमरा करके वो 3री मंजिल पे खड़े थे, वो बताया था वो हमारे यहाँ की मंजिल थी। रात में मुझे समझ में नहीं आया पर मैं दिन में गई तो मुझे समझ में आया। मृतक से आपके कितने पुराने दोस्त थे? 3 साल। आपको यकीन है कि आशिक पटेल ने उसको? हाँ, उसने ही कराया है, उनका कोई और, रुपेश का कोई और यहाँ पे दुश्मन वगैरह कुछ नहीं है। उसने धमकी भी दी थी और कई बार वो ऐसा कर भी चुका। तो हत्या कराने के लिए उसने एक मर्डर नहीं किया, उसने पहले भी उस पे मर्डर केस चल रहा है, आशिक पटेल पे पहले ही मर्डर केस चला है। ये हत्या किस कारण से हुई, मतलब क्या मामला था हत्या करने का? क्या मामला? हत्या करने का मामला ये था कि आशिक पटेल चाहता था कि मैं उससे बात करूं, रुपेश बिरला से बात ना करूं। आपका नाम? अनु चौरसिया। ठीक है सर, कायम कर लिया गया है, लोगों ने ज्ञापन भी दिया, आप क्या कुछ हैं सर? हाँ, ये जो एक घटना घटित हुई है सेक्टर 1 पीथमपुर में, उसको लेके जो मृतक है उसके परिवारजन, उससे जुड़े हुए लोग और अन्य समाज के लोगों में एक आक्रोश था। उसके लोग सब ने मिल के एक ज्ञापन दिया है। उन लोगों की यह अपेक्षा है कि इसमें सख्त सा कार्रवाई हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दें, इस तरह के उनके थे। और जो दोषी व्यक्ति है या आरोपी है उनकी चल अचल संपत्ति और अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही, इस तरह के और कुछ मुद्दे वो सुरक्षा से जुड़े थे, उन मुद्दों को जायज मुद्दे थे। उसमें पुलिस के द्वारा उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान के साथ में उसमें बहुत ही त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी और दोषी कोई भी हो जिसे नहीं बख्शा जाएगा।
और उसके अवैध अतिक्रमण या उससे जुड़े अन्य इश्यूज हैं उसके ऊपर भी सख्ती के साथ पुलिस और प्रशासन मिलकर काम करेगा। सर, और आरोपियों के नाम बढ़ाने की भी बात करी गई, उन्होंने एक दो नाम और बताया कि इनका भी उसके अंदर संलिप्तता है, तो उन दोनों के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और जल्दी अगर उसमें सारे साक्ष्यों के साथ में कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। कुछ इश्यूज हैं जिसमें उन्होंने पुलिस के बारे में बताया है, उनको आश्वस्त किया है कि उनके सारे मुद्दों के ऊपर पुलिस बहुत ही बारीकी से जाँच करके सारी चीज़ों को क्लियर करेगी और निष्पक्षता के साथ में जो भी चीज़ें होगी उस पर कार्रवाई। कितने कुल आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो गए? अभी तक प्रकरण में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जान की स्थिति को उनके द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पर रहा है, लोगों ने बैठ के थाने के सामने चीज़ें की, उन सारे इश्यूज को सॉल्व। कुछ विशेष वर्गों ने ये मांग की है कि थाना प्रभारी काफ़ी लापरवाही हुई उसके कारण, उन्होंने कुछ पुलिस से संबंधित इश्यूज उठाए हैं, उसके ऊपर जाँच करके जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।